गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर और मैं आज आप लोग को पिछले क्लास में मैंने बताया था कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में मैं जो आपको बताया था पोस्टल सिस्टम, ठीक है, उसमें मैं चार पॉइंट लिखाया था कम्युनिकेशन में, पोस्टल सिस्टम, फैक्स, टेलीफोन, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ टेलीफोन के बारे में। पिछले क्लास में तो आप लोग जान चुके होंगे कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, पोस्टल सिस्टम किसको कहते हैं, क्या उसके अंतर्गत आते हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मुख्य रूप से वो टेलीफोन के, मतलब टेलीफोन जो हम लोग बात करते हैं फ़ोन से, सबके यहाँ, हर किसी के यहाँ एक ना दो ना तीन, प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ टेलीफोन अवेलेबल है, सभी के यहाँ मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। उसी से संबंधित में कुछ आपको लिखे हैं, उससे ही आपको बताऊंगा, ठीक है। द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन है मोबाइल है वो सबसे फास्ट, मतलब बहुत तेज संचार है, ठीक है। वी कैन टेक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव विथ द हेल्प ऑफ टेलीफोन, ठीक है। हम लोग टॉक करते हैं तुरंत अपने माता पिता से, भाई बहन से, चाचा चाची से, मौसा मौसी से, हर किसी से, रिलेशन में जितने भी व्यक्ति हैं सभी से टॉक करते हैं। किसके माध्यम से हम लोग जो टॉक करते हैं वो टेलीफोन के माध्यम से। किनके माध्यम से? टेलीफोन के माध्यम से हम लोग बहुत तेज़ी से, किसी का तबीयत खराब है तुरंत फ़ोन किए कि मम्मी का तबीयत खराब है, कहीं भी जाना है तो तुरंत बोलो हम आ रहे हैं, तुरंत फ़ोन करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फॉर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, ठीक है। जो टेलीफोन को आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल थे वो टेलीफोन का आविष्कार किए। देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको देगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, हु वाज द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, तो आप लिखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। उसके बाद आइए, टेलीफोन एक्सचेंज हेल्प अस कनेक्ट विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कम्युनिकेट विथ देम इमिडिएटली, मीन्स जो टेलीफोन का एक एक्सचेंज होता है, एक एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज से मेरा सिम कनेक्ट रहता है और वह, और टेलीफोन में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज क्या होता है, हमारे सिम जो है एक्सचेंज से एक्टिवेट होता है, और जब कहीं भी फोन लगाते हैं पहले एक्सचेंज में जाता है, उसके बाद ही दूसरे के जगह कनेक्ट होता है, चाहे रिलेशन हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कहीं भी एनी वे एनी जगह, ठीक है, वे बिना एक्सचेंज का कनेक्ट हुए कहीं फ़ोन नहीं लगता। डायरेक्ट हम चाहेंगे कि अपने माँ के पास फ़ोन लगाएं तो इम्पॉसिबल है, ठीक ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम फ़ोन लगाते हैं तो सबसे सर्वप्रथम जाता है कहाँ, एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज फीस उसको भेजता है डायरेक्ट रूप से, ठीक है। टुडे वी हैव मोबाइल फोन्स एंड इंस्टेंट द टेलीग्राम्स, ठीक है। टुडे हम लोग के पास क्या है, सभी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन्स है और टेलीग्राम से, ठीक है। और उससे क्या फ़ायदा, देखो वी कैन सेंड एसएमएस, हम लोग मैसेज भेजते हैं एसएमएस, एसएमएस का देखिए शॉर्ट, उसका फुल फॉर्म क्या आता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, मतलब बहुत कम, कहाँ हो ऐसे लिखना है किसी को फ़ोन नहीं पिकअप कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, तो हम लोग मैसेज करते हैं कि कहाँ भैया कहाँ जाना है, बस मैसेज के द्वारा उसको आसानी से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड टर्म डायलिंग एसटीडी कॉल है, ठीक है, विद इन कंट्री, ठीक है, अपने देश में, अपने ही कंट्री में केवल जो क्या चलता है एसटीडी, वैसे कॉल जो हमारे कंट्री में ही रहता है, ठीक है, कंट्री से ही आता है, उस कॉल को हम लोग कहते हैं एसटीडी, उसका फुल फॉर्म जो होता है स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग एसटीडी, विद इन कंट्री, मतलब हमारे देश में ही। और जो विदेश से कॉल आते हैं, अदर कंट्री से कॉल आते हैं, जैसे अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एनीवे कहीं से अदर कंट्री से आते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, देखिए ISD, ठीक, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है। फॉर इंटरनेशनल कॉल्स आर द पॉपुलर मीन्स टेलीफोन कन्वर्सेशन, और जो अधिकतर फेमस जो है टेलीफोनिक है कन्वर्सेशन, मीन्स बात करते हैं हम लोग कन्वर्सेशन, ठीक है, टेलीफोन के बारे में समझ गए। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ टेलीफोन के बारे में, टेलीफोन जो है सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है, और हम अपना रिलेशन, माता पिता यानी अदर कहीं भी हम बात कर सकते हैं, बहुत कम समय में तुरंत ही मैसेज को पहुंचा सकते हैं, वहां से मैसेज तुरंत हम रिसीव कर सकते हैं, किसके द्वारा, टेलीफोन के द्वारा मैसेज भी कर सकते हैं, अदर कंट्री भी बात कर सकते हैं, अपने कंट्री में भी बात करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी बात करते हैं, ठीक है, ये टेलीफोन का सारांश रहा, समरी रहा, ठीक है। इसके बाद मैं फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, फैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फैक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू सेंड प्रिंटेड और रिटन मैटर एंड पिक्चर थ्रू टेलीफोन लाइन्स, मीन्स फैक्स एक ऐसा संचार है जिसके द्वारा हम कोई भी मैसेज लिख के और उसको हम तुरंत भेज देंगे, ठीक है। अब भेजने के बाद क्या होगा, तुरंत वो
हैक जब यहाँ किए तो सेकेंडों में निकाल के प्रिंट टू अपना निकाल सकता है। ओके ठीक है, क्या कर सकता है, जैसे हम यहाँ से फैक्स किए कोई भी डॉक्यूमेंट, तुरंत यहाँ फैक्स किए लिख के तुरंत उसके पास फैक्स से जाके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं इसी से संबंधित आप लोग को होमवर्क देने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं आप लोग को जो दिया हूँ होमवर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु आर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन का किसने आविष्कार किया। ठीक है, व्हाट इज यूज ऑफ फैक्स, फैक्स के क्या उपयोग है, क्या यूज है। ठीक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISD एंड SMS, अभी मैंने आपको तीनों बताया है और बस उसी से पढ़ के आपको बनाना है और आपको सेंड करना। आज का जो होमवर्क इतना ही, ठीक।